अब लेके आ रहे आशीष भैया। आराम से आराम से। अरे अरे पकड़ ले। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं गैरेज में स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। और मेरा एक नया गाड़ी जो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैं इसका फुल रिव्यू किया हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस, आज का बात यह है ना कि अभी हम लोग जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है जो कि थोड़ा हम लोग के घर से 60-65 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसके पास जा रहे हैं। उससे मतलब कि वो बुलाया है कि भाई आप आओ अपना गाड़ी लेकर के, और मेरा घोड़ा रहेगा साथ में, हम लोग वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोग को। तो हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं गाइस, आपको मिलवाते हैं। तो पिछले ब्लॉग में एक बार और आपने देखा होगा अरमान भाई को। अरमान आ जा, तो अरमान से मिलाते हैं। अरमान भी हमारे साथ जा रहा है, जो कि हमारा मतलब कि राइडर समझ लो, एकदम राइडर है, पूरा हैवी राइडर, हैवी ड्राइवर है हॉर्स का। ये फटाफट से निकलते हैं, गाड़ी पहले निकालते हैं और फिर हम लोग आप लोग से मिलते हैं रास्ता में, ठीक है। तो जैसे कि भाई अभी हम लोग आ चुके हैं आशीष भैया के घर। वो फर्स्ट में हॉर्स का ट्रेनिंग दिए थे, मीन्स कैसे चलाना है, ठीक है। उन्हीं से सबसे पहले हम ट्रेनिंग लिए थे, क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेनर भी है, ठीक है, और हॉर्स वगैरह को भी बहुत अच्छा से वो ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग को हम मिलवाएंगे बहुत जल्द। पहले हम डॉग रखते थे जिसका नाम था टाइसन, जर्मन शेफर्ड, और कुछ प्रॉब्लम के वजह से हमको 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो हम भैया के हाथ में वो टाइसन दिए थे, ताकि भैया बहुत केयरिंग है, डॉग लवर भी है। तो हम ऐसा चाहते थे कि जो बढ़िया डॉग को प्यार कर सके उन्हीं के पास मेरा डॉग जाए, क्योंकि हम डॉग से बहुत प्यार करते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको अपना टाइसन से मिलवाते हैं, ठीक है, आइए। तो गाइस, ये मेरा टाइसन है, बहुत दिन के बाद इससे आज आके मिले। पहले ये मेरा ही पास था, इसको बचपन से हम रखे थे। नहीं टाइसन, नो, लगभग मैं इससे मिल रहा हूँ 2 साल के बाद। ये मुझे पहचान भी लिया, आते के साथ मुझे पहचान लिया। ये इसका बचपन का आपको फोटो दिखाएंगे ये वीडियो में, ठीक है। बहुत दिन के बाद मिले ना बच्चा मेरा। आ जाओ इधर आ जाओ। खाना खाया गाइस, आप लोग आशीष भैया से मिलवाने का। ये भैया है, तो इनके हाथ में देख रहे हो क्या है, हथियार, मीन्स कि ये असली है, और इनका लाइसेंस वाला भी है, ठीक है। अभी मैं इससे एक फायरिंग करूंगा, भैया सिखाएंगे कैसे करते हैं। रेंज पे, ठीक है। सेफ्टी रूल्स हैं यहाँ सिविलियंस के, अगल बगल में कोठियां हैं, घर है, तो यहाँ पे किसी की भी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो राइफल रेंज पे चलेंगे, वहीं पे फायरिंग। और सबसे पहले भैया ही हमको हॉर्स का ट्रेनिंग दिए थे स्टार्टिंग में, एकदम सारे प्रोफेशनल तरीका से, क्योंकि भैया प्रोफेशनल ट्रेनर है, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। तो चलिए बाकी सारा चीज़ रास्ते में मिलते हैं। और अभी हम लोग घोड़ा वाले के पास भी जा रहे हैं, जो कि राइडिंग करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, और हथियार भी लेके जा रहे हैं, बहुत काफ़ी मज़ा आएगा अभी हम लोग को। तो इस ब्लॉग पे बने रहे और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। वो टाइसन कैसे देख रहा है ये देख लो गाइस, इस तरह से टाइसन देख रहा है, देखते रहता है ये मुझे, यार बहुत अफसोस लगता है, लेकिन क्या करूं। अरमान ऐसा ही गाइस, अभी हम लोग सारा फ्रेंड लोग गाड़ी पे बैठ गए और भैया भी बैठ गए और अपना हथियार के साथ, तो फोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे, जो कि आप लोग को दिख जाएगा। और भाई लोग भी बैठा हुआ है पीछे, सब एडजस्ट हो गया है। और अभी हम लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं और वहाँ लोकेशन पे पहुँच करके आप लोग से मिलते हैं। काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होगा ये, ठीक है। तो ब्लॉग पे बने रहना, और अगर जो जो चैनल पे नए हो अभी फटाफट सब्सक्राइब करो, ऐसा ब्लॉग आप लोग को और भी देखने को मिलता रहेगा, क्या भैया? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए अभी निकलते हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई के पास आ चुका है कुमार डुबी, ठीक है, और भाई के पास हॉर्स वगैरह सारा कुछ है, तो भाई से आप लोग को मिलवाते हैं। आ भाई इधर आ, ये भाई है, ये मतलब कितना हॉर्स रखा है, भाई 5 हॉर्स रखा है भाई। अभी सारा हॉर्स इसका देखेंगे कि कैसा हॉर्स रखा है, और थोड़ा हम लोग राइड भी करेंगे और आप लोग को राइडिंग का मजा भी देंगे, और भाई भी राइड करेगा, थोड़ा दिखाएगा अपना नमूना। पहले हॉर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये भाई का हॉर्स, एक ये है और एक इधर। अब बाप रे, 4 हॉर्स है। ओ भाई, 4 हॉर्स है। तो राइडिंग किस में करवा रहे हैं आप? जिसमें आप चाहे कर लीजिए। बढ़िया, कौन चाल चलता है जो आपका पसंद है? ये दोनों, ये दोनों बढ़िया चाल चलता है। ये वाला तो ठीक है, निकाला जाए, लेकिन ऊंचा सबसे अच्छा ये लग रहा है। इसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी उसमें दिक्कत है ना। और ये वाला,
ये भी ठीक है, बहुत हद से ज्यादा तेज है, भागेगा तो गुड़ को उल्टा देगा, तो उसी को निकाला जाए, है ना? जाफर वाली, क्या नाम भाई उसका? जाफर वाली है? तो ये भाई अभी निकालेगा, क्या भाई लगाम कसो भाई। चलिए अभी हम लोग राइडिंग के लिए घोड़े को तैयार करते हैं, लगाम वगैरह सारा कसते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फील्ड में और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे राइडिंग होता है, और हम भी करेंगे राइडिंग। ये अभी लगाम वगैरह कसा रहा है, अभी शेडल लगाएंगे, है ना? देखते हैं फिर, फाइनल हो गया अब? पूरा फाइनल लगा। चलिए तो ये सब सामान उस पे बांधोगे, कैसा खूबसूरत लगेगा कि नहीं यार? सही बात है, इसीलिए बोल रहा हूं, लेकिन सैडल बहुत परफेक्ट है, सैडल हम वाला नहीं अपना वाला। अब निकाला जाए इसको बाहर में, निकल लिया अरमान लेकर के आ रहा है, अब चलिए फील्ड में चलते हैं, अब फिर उसके बाद दौड़ा। चलिए भैया चला, एक बार तुम राइड लो फिर मैं बैठता हूं। रोहन आ जाओ, आप भी चलो, हम नहीं चलाते हैं अभी। चढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पहले अरमान भाई चढ़ेगा। वाह, ये पैर डाल के नहीं चलाता, यही ऐसे ही चलाता है। तो चलिए गाइस पहले फील्ड में चला जाए, उसके बाद कैसा चल रहा है? बोले उसको बड़ा घोड़ा निकाली, अजीब लग रहा है। चलिए किधर चलना है? चलिए चलते हैं पहले फील्ड में। सांप है, हटा दिया, बच्चा है, मरा हुआ है जी, मरा हुआ नहीं है भैया। हाँ चलो, उधर तो घर, हटो देख रहे, जिंदा है पूरा, उसको हटा दीजिए। नहीं नहीं, मेरा गाड़ी में घुस जाएगा कहीं वो, बस चल इसको गाड़ी में, अरे गाड़ी उड़ी में घुस गया तो बस। तुम इतना कहले डर रहे हो, उसको हटा कर फेंक दीजिए। चलो ये देखो भाई, अरमान भाई अब दौड़ा रहा है, अभी हम भी दौड़ाएंगे, मजा आएगा। या उसका पैर में लग रहा है, ज्यादा चोट लग गया क्या? ये जो खाली रास्ता सीधा चल रहा है, आशीष भैया का चलने का बार बार पूछ उठा रहा है, ऐसा कहीं कर रहा हूँ, पता है लड़ो, ये ऐसे का ही कर रहा है। अरे भाई वो गरम हो गया, देख नहीं रहा, घुमाइए पूरा खींचिए, जो लगाम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा कभी भी अगर गरम हो गया, बेकाबू हो गया, देखो मेरे हाथ से स्लिप नहीं होगी लगाम, ये आदमी कर ठीक है, हाकिए एक बार स्पीड में, सब लगाम लगा के नहीं चलाने का भाई, देख झाट दौड़ा दिया ना पब्लिक, अब दौड़ा दी से हम भागे, झाट नहीं रुकेगा, नहीं रुक रहा, बग्गी का सीखा हुआ घोड़ा है, उस सब बग्गी में चलता है, आवाज से चलता है, ठीक है, उस सब इसे देखिए ऐसा भाग रहा, छरकट ऐसे नहीं दौड़ता घोड़ा, इस सब बग्गी में चले लड़का, चल दुल गया, हम समझ गए बग्गी में पूरा चलता है, तो हमको तो उठा पटक देगा, नहीं हल्का हल्का चलेगा, कुछ नहीं होगा, तेल अब लेके आ रहे आशीष भैया, शटल गिर गया ना, गद्दा पता है सही, ऐसे ही सही रहेगा, कोई बात नहीं भैया, हमको ही पटक देगा तब, अरे वो स्लिप कर रहा शटल, इससे हमको तो डर लगता है ना भाई, डर लगता है भाई, कैसे चढ़ेगा अपन, घोड़ा तो छरकट भाग रहा है, और उसका सैडल आप पता है, बोल रहे हैं वो तो भागेगा इधर उधर,
कुछ नहीं भागेगा, देखिए चुपचाप चढ़ी भाई, भाई पूरा आराम से प्यार ले चल रहा भाई, चले प्यार नहीं तो कहाँ होगा ना। ठीक है तो गाइस अभी जाते हैं राइडिंग के लिए, देखते हैं अभी तो रोहित भाई की पट्टी भी है पूरा पूरा पट्टी भी है, देखो कैसे जाएगा रोहित, चले बाबू छोड़ो छोड़ो भाई चल ले यार प्यार से जा, जाना मत लुरकाते हो ले जा बड़ा आराम से हल्का ले जा, उधर खींचिए ना पूरा तगड़ लगा के जा बड़ा जा, नहीं नहीं गिट्टा वाले यार ने तो पहले अरे मरूर जाए गर्दन में मत डालो अब नीचे पकड़ जहाँ पकड़ ले वहीं पकड़ ले, एक को तो उल्टवा दिया घोड़ो ये आपका नहीं बोल रहे कि आपको लटवा दिया, तो घोड़ा चलाते चला मजा आया बस 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 नहीं चलता है घोड़ा बस बेटा बस आवाज जी ये देख लो आवाज दिया क्या ही मजा है, जल्दी हमारे पास भी होगा ये, ठीक है ये ऐसे करके चलाऊंगा मैं तो कैसा लगा गाइस आप लोग को ये ब्लॉग देख करके, अगर मजा आया तो कमेंट करना ठीक है, और अभी चलते हैं हम लोग घर क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा है, हम लोग आ चुके हैं माइथन मोड़ ठीक है, तो यहाँ से हमारा घर है लगभग 2 घंटे का रास्ता है, तो फटाफट हम लोग निकलेंगे और चलेंगे आगे, बने रहे ब्लॉग पे, ब्लॉग को अभी कंटिन्यू रखेंगे ठीक है, तो चलिए पहले अभी घोड़े को अंदर करते हैं फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, एक राउंड ले लीजिए गली में लगा, गली में ले जा रहा गड़ते उसको घर देखा हुआ भूख भी लग गया भाई देख लेना, चलो बेटा वीडियो आ रहा है, हाँ भी आ रहा, बाकी बात तो आप एडिट कर ही लीजिएगा, बस बस लगाम बहुत पीछे पड़ रहा है उतरा जाए गाइस इधर आ जाए, तो गाइस अब उतरा जाए घोड़े से है ना, चलो अब उतरते, मन तो नहीं कर रहा लेकिन उतरना पड़ेगा, तो चलिए उतरते हैं गाइस, हम लोग आएंगे ठीक है ना दो दिन बाद, यहाँ किसी और दिन नेक्स्ट टाइम आकर के बढ़िया से सुनिए ना, किसी और दिन आएंगे पैसा बात कर लीजिए, चलिए अब घोड़े को लगाया जाए अंदर, चला घोड़ा का तबेला में आ चुके हैं और अब इधर से घोड़ा का ये खोलेंगे ठीक है, उसके बाद वो देखिए अंदर ये जो है सब में से बम्पर ही है चलने में, बड़ी में चलने में सबसे बम्पर ही होगा, इसमें तो बड़की घोड़ी होगी यार कोई होगा यार कोई। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, सारा फ्रेंड लोग को बाय बाय कर दिए, अपने अपने घर वो लोग चला गया और गाड़ी भी पार्क कर दिए, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, अगर एंजॉय किए तो ज़रूर कमेंट करना ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग मज़ेदार ब्लॉग के साथ ठीक है, बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।